हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका बर्लिन से। आज का वीडियो मेरा केएलएम एयरलाइन के एक्सपीरियंस के बारे में है। मैंने 21 सितंबर को ट्रैवल किया था बर्लिन में, और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी, तो ये मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। आई एम श्योर ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। ये इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर बहुतों को हेल्प करेगी, स्पेशली जब आज के टाइम में काफ़ी सारी एयरलाइन जो बंद हो रखी हैं, जो अभी चल नहीं रही हैं किसी ना किसी वजह से। तो वेट किस बात की है, कपिल वाली, लेट्स ट्रैवल। दोस्तों, ये वीडियो मैं 3 लेवल में अलग अलग पार्ट कर रहा हूँ। पहला तो पार्ट है कि मैंने केएलएम क्यों चूज़ करी, क्योंकि मैंने जब बुक किया था तो उस टाइम पे एयर इंडिया और बाकी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। एंड सेकंड पार्ट कि मेरा कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, जिसके अंदर आप लोग देख सकेंगे कि फ़्लाइट के अंदर का कैसा एक्सपीरियंस था। और लास्ट एक हुआ इंसिडेंट जहां मेरा लगेज डैमेज हुआ और मैंने उस केस में क्या किया। ये बहुत ही ज़रूरी लगा मेरे को, क्योंकि आप सडनली एक कंट्री में जाते हैं जहां पे बहुत सारे पहले ही क्वेश्चंस आपके दिमाग में, और आपका लगेज टूट जाता है, एक्सपेंस है, आपको टेंशन है कि अगर ये पूरा खुल गया तो आप क्या करेंगे, उस टाइम में कहाँ भागेंगे। तो मैंने क्या किया, कैसे किया, तो इन तीनों पार्ट्स को मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो में डालूँ। अगर पूरा नहीं आता तो थर्ड पार्ट भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अननेसेसरी ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, बट सारे इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आंसर करता हूँ कि मैंने केएलएम क्यों पिक करी। ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन था, बिना बायस्ड होके। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बोला था कि एयर इंडिया प्रेफर कीजिए अलग अलग रीजन्स की वजह से, पर सबसे पहले जो टाइमिंग्स था केएलएम का, वो मेरे को बहुत सूट कर रहा था। मैं यहाँ पे मॉर्निंग में बर्लिन के अंदर पहुँचता, और ये मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा था, तो मेरे लिए ये सही था, डिसीजन था। दूसरा था कि उसके टिकट थोड़ी चीप थी कंपैरेटिवली एयर इंडिया के, एंड उस टाइम पे स्टूडेंट ऑफ़र भी नहीं चल रहा था, क्योंकि एयर बबल सिनेरियो कंटिन्यू था तो अवेलेबल नहीं था पहले। बाद में वो मिला लोगों को, बट जिस टाइम तक मैंने बुक किया था तब तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी और वो नहीं मिल रहा था। एंड लास्ट इज़ नॉट द लीस्ट, बट उनकी ऐप मुझे बहुत अच्छी लगी केएलएम की, तो मुझे लगा कि केएलएम पिक करना चाहिए। एयर फ्रांस भी आया था, बट जब मैंने थोड़ी सी स्टडी करी तो कुछ पॉइंट्स मेरे को ऐसे दिखे, जैसे कि केएलएम के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो थोड़े से न्यूर वर्जन के हैं कंपैरेटिवली जो एयर फ्रांस के हैं। तो ऐसी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे तो मैंने ड्रॉ किया और मैंने केएलएम को पिक किया। तो ये तो रीज़न था कि मैंने केएलएम पिक क्यों किया। अब आ जाते हैं इस पार्ट के ऊपर कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा वीलॉग का, उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि बर्लिन से तक मैं कैसे पहुंचा, तो उसके अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ सीधे केएलएम के बारे में स्टार्ट करेंगे। जब मैं सिक्योरिटी वगैरह सब निकल गया, अंदर आ गया बेसिकली एयरपोर्ट के, तो सबसे पहले मैं लगेज काउंटर पे पहुंचा। मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा लगेज ले रखा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा लगेज पहले चूज़ करते हैं, तो मैंने आई थिंक 5,500 के आसपास कुछ पे किया था जब मैंने एक्स्ट्रा लगेज लिया था टिकट बुक करते हुए। और वहाँ पे मैंने किसी को देखा कि सेम लगेज के लिए उन्होंने 15,000 भी पे किया है, तो मुझे लगता है कि लगेज अगर आप पहले से बुक करके रखेंगे और लास्ट मोमेंट के लिए वेट ना करें, तो आप थोड़े से पैसे बचा सकते हैं। और आई थिंक समझदारी भी उसी में ही है कि आप पहले से प्लान हो कि आपको कितनी चीज़ें कैरी करनी है। मुझे दिया गया था 23 + 12 kg जो नॉर्मल सिनेरियो था, और मैंने उस पर 23 kg और लिया, और दिस इज़ दी ओवरऑल स्टोरी। तो मैं लगेज काउंटर पे गया और
मैंने सारा सामान चेक इन किया, और मैं चेक इन करने के बाद में आगे पहुंचा। वहाँ पे मुझसे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम डी स्टैम्प वीज़ा पे जा रहा था, तो मुझसे यूनिवर्सिटी का प्रेजेंट लेटर, प्रेजेंस, फिज़िकल प्रेजेंस लेटर मांगा गया। ये इकलौता डॉक्यूमेंट था जो पूरी ट्रिप में कहीं यूज हुआ, और वो सिर्फ एयरलाइन ने पिक किया था। मैंने उनको दिखाया, एंड देवर ओके। मेरा लैपटॉप बैग और दूसरा जो लगेज कैरी बैग था वो थोड़ा हैवी था, बट एयरलाइन वॉज गुड इनफ, तो लेट मी गो। थोड़े से जो कई लोग हैं जो स्टक हो जाते हैं, मुझे लगता है उसका रीज़न क्या होता है कि एयरलाइन थोड़ा लीनियट तो हो सकती है। जैसे अगर 23 kg है तो 23, 24, 25 तो आपको जाने देगी, पर अगर आप 30-30 kg अगर आप सामान भरेंगे तो ऑफकोर्स वो आपको नहीं जाने देंगे। और इस केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने देखा था जब किसी का ये लगेज बहुत हैवी था, 30-30 kg था, तो उन्होंने उसके हैंड बैगेज भी चेक कर लिए, क्योंकि शक हो जाता है, डाउट आ जाता है एयरलाइन को भी ना। दे आर डूइंग दिस बिजनेस फॉर वेरी लॉन्ग, दे आर स्मार्ट पीपल। तो उस केस में अगर आपके हैंड बैगेज में भी अगर वेट ज़्यादा है तो आप फिर एक तरह से फंस जाते हो, और यू आर एंड अप पेइंग लॉट मोर मनी। सो बी केयरफुल विद दिस पॉइंट। मास्क मैंने पहन रखा था, और मुझे बोर्डिंग पास दिया गया। बोर्डिंग पास के ऊपर ही मेरी दोनों फ्लाइट्स की डिटेलिंग थी, और सेम बोर्डिंग पास को यूज़ किया गया। सिर्फ एक टाइम चेक इन किया था दिल्ली में, उसके बाद मुझे जो मेरा लगेज मिला वो सीधे बर्लिन से मैंने पिक किया था। एम्स्टरडेम पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ना ही किसी ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत थी। आई डोंट नो, कई लोगों ने मेरे से पूछा ये कन्फ्यूजन क्यों है, मे बी शायद पड़ती हो, बट यहाँ पे कोई ऐसी नीड नहीं है। यू डोंट नीड अ ट्रांजिट वीज़ा, और आपका सेम PNR है, सेम एयरलाइंस है, तो आपका लगेज आपको एंड डेस्टिनेशन पे ही मिलेगा, तो आपको बार बार चेक इन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कैरी बैग है वो अपने साथ रखना है, जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक इमिग्रेशन के बाद में मैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ पहुंचा, और बहुत ही आराम से सारा प्रोसेस था। फ्लाई करने से पहले हमें फेस शील्ड पहनना कंपलसरी था दिल्ली टू एम्स्टरडेम तक, इसलिए हमने मेरे पास वो नहीं थी तो मुझे दी गई, और भी लोग थे जिनके पास नहीं थी, जो कैरी नहीं कर रहे थे, तो उनको भी प्रोवाइड किया गया। बट मास्क एक अच्छा ज़रूर कैरी कीजिए, जो आपके पूरी ट्रिप में आपको हेल्प करे, आपको इरीटेट ना करे। तो N90-95 जो आते हैं मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने खुद ही पहना था। ये ऐसा दिखता है ये मास्क, और बहुत ही अच्छा यूज़ में आया, मेरा अभी भी यूज़ आता है काफ़ी। एंड दैट्स द प्रिटी मच सिनेरियो टिल द टाइम ऑफ यू गो टूवर्ड्स दी बोर्डिंग गेट। फ्लाइट बहुत इजीली बोर्ड हुई, और बीच हर रो के अंदर ज़्यादा ऐसा नहीं था कि पूरी फ्लाइट भरी हुई हो, और अच्छा सा स्पेस जो था बहुत अच्छे से मैनेज हो रखा था। बीच की एक सीट, जैसे 1, 2, 3 तीन सीटें होती हैं, तो बीच की एक सीट खाली थी और आप साइड में बैठ सकते हैं, और फ्लाइट वैसे भी काफ़ी खाली थी, तो बहुत सारे लोगों ने खुद भी उठ के इधर उधर वो लोग बैठे। बट हाँ, एक आप ये कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली मैनेज थी। मैंने इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल किया था तो ऐसा कुछ नहीं था। आप नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं कि कितना इजीली मैनेज था स्पेस, और डिटेलिंग इन टर्म्स ऑफ इंफोटेनमेंट मीडिया, काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अंदर, इंफोटेनमेंट के अंदर, कि आप कब फ्लाई कर रहे हैं, कब पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा, आपको एम्स्टरडेम से कैसे शिफ्ट होना है टूवर्ड्स बर्लिन के लिए, तो वहाँ पे आपको किस तरह से सिक्योरिटी चेक में निकलना, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एरोप्लेन में, प्लेन में, फ्लाइट में बैठे बैठे आप ये देख सकते हैं। मेरे को ये बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लगी। सेम मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कैरी करें KLM ऐप को, उसके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन, और एयरपोर्ट की जो साइट है, दोनों एयरपोर्ट की, टेगल एयरपोर्ट और एम्स्टरडेम एयरपोर्ट, दोनों एयरपोर्ट को आप ज़रूर विज़िट करें। क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो चेक होते हैं नहीं होते हैं, आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू शुड कैरी इट, क्योंकि अगर चेक हुआ और आपके पास नहीं हुआ तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और मैं सारी डिक्लेरेशन अपने साथ में लेके गया था, हालांकि वो कहीं पे चेक नहीं हुई थी। तो वंस आप जब फ्लाइट के अंदर आ जाते हैं, आपको फ्लाइट
जब आप फ्लाई करते हो, आप हवा में होते हो, उसके बाद आपको ईयरफोन दिए जाते हैं। एटलीस्ट मेरे फ्लाइट में तो यही हुआ था। थोड़ा सा मैं इसमें बहुत टाइम लग जाता तो मैं वेट कर रहा था कि कब आपको ईयरफोन दिए जाएंगे। फ्लाई होने के बाद ही आपको एक स्नैक बॉक्स मिलता है, ये आप नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आपके पास एक ब्लैंकेट भी होता है, ज़्यादा मोटा नहीं, बिल्कुल पतला सा, बट सफिशेंट होता है आपकी ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि थोड़े रात का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग था बेसिकली, तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। एंड यस दैट्स, वो स्नैक्स बॉक्स पूरी फ्लाइट के लिए था और सफिशेंट था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो सारे ट्रिप के दौरान आई थिंक जो सबसे ज़्यादा कहिए वो लगता है कि कोविड कैसे मैनेज हो रहा है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज रहेंगे, आर वी गोइंग टू सेफ और नॉट। ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आई आर वी गोइंग टू सेफ और नॉट, बिकॉज एयरलाइन पूरा चीज़ें मैनेज करती हैं, सैनिटाइज करती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको बताती हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आप अपने एंड पे कितनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं वो आपको देखना है। और हाँ, जब बाहर निकलेंगे रिस्क तो होता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से रिस्क फ्री हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, फूड डिलीवरी, सारी चीज़ें एयरपोर्ट पे भी और एयरलाइन भी अपनी तरफ से फुली मैनेज करती हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मेरे साथ सब कुछ स्मूथ था। हमारी फ़्लाइट 3 बजे रात को उड़ी थी और सुबह 8 बजे के आसपास हम लोग लैंड कर गए थे बर्लिन के अंदर, और सॉरी एम्स्टरडेम के अंदर। और 2 आवर्स का हॉल्ट था वहाँ पे, सफिशियंट है। मतलब बहुत लोग पूछते हैं 2 घंटे बहुत है इमिग्रेशन वगैरह करने, ऐसा कोई इमिग्रेशन कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है। आई मीन सफिशियंट टाइम है, आपके पास इतना टाइम होता है, आप सिक्योरिटी और इमिग्रेशन से निकलते हैं और ट्रांजिट करते हुए आप दूसरे टर्मिनल की तरफ भी पहुंचते हैं, जो कि बहुत आराम से हो जाता है। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप वहाँ पे बैठ के आप चीज़ें आसपास की एक्सप्लोर कर सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर, आप एम्स्टरडेम एयरपोर्ट को पूरा देख सकते हैं। बट ये आपके ऊपर है कि अगेन कोविड के टाइम में आप लोग कितनी लिबर्टी लेना चाहेंगे, ज़्यादा घूमने की या ज़्यादा प्लेस देखने की। बट इमिग्रेशन वॉज स्मूथ ऑन एम्स्टरडेम, देर वॉज नो इश्यू एट ऑल, आई वॉज नॉट आस्क सिंगल क्वेश्चन, तो मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया। हो सकता है कई लोगों से पूछा जाता हो, बट मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक था। एयरलाइंस की तरफ से मुझे एम्स्टरडेम हो या दिल्ली टू एम्स्टरडेम हो या एम्स्टरडेम टू बर्लिन हो, मुझे जाते हुए कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। तो क्विकली आ जाता हूँ, जब बर्लिन के लिए हम लोग फ्लाई करते हैं तो जो बर्लिन टूवर्ड्स बर्लिन जो फ़्लाइट होती है वो फ़्लाइट थोड़ी छोटी है और एयरक्राफ्ट बेसिकली छोटा है, तो उसमें जो हम कैबिन स्पेस में जो हम सामान रखते हैं, तो मेरा लैपटॉप बैग आराम से चला गया था, दूसरा बैग थोड़ा बल्की था, तो उसको फेस के साइड से मोटा होने की वजह से अंदर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके अंदर बहुत स्पेस था, बट जो उसका एंट्री पॉइंट होता है, जो मुंह होता है, वो थोड़ा टाइट था, तो मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा और फिर उसको मैंने डाला, पर ये हो गया था मैनेज, कोई ऐसा नहीं था। एंड स्नैक बॉक्स दिया जाता है, वो आपको ऑलरेडी नेक्स्ट पार्ट में दिख जाएगा। एक डिक्लेरेशन आपको फिल करनी पड़ती है, दिस इज़ द ओनली डिक्लेरेशन आई वॉज गिवन बाय दी KLM एयरलाइंस, जो मैंने फिल करी, और जिसके अंदर आपकी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, कहाँ से आ रहे हो, मतलब कहाँ आप जा रहे हो, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन होती है। और ये चीज़ें आपसे जो एयरक्राफ्ट का जो स्टूअर्ड स्टाफ है वो आपसे दोबारा कनेक्ट भी करता है। 1 घंटा थोड़ा लगभग 1 घंटे के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा, हम लोग बर्लिन में लैंड कर गए थे। और बर्लिन में लैंड करने के बाद नॉर्मल टर्मिनल सेम, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है टेगल एयरपोर्ट, बहुत आराम से आप जाते हैं। और जैसे जैसे आप फॉलो करते हैं, जैसे आप बाहर निकलेंगे एक बार, तो आपको वहीं पे ही सारा आपका लगेज इजीली आपको वहीं पे मिल जाता, आना स्टार्ट हो जाता है। और ट्रॉली अगर आपको यूज़ करनी है तो एक कॉइन ज़रूर कैरी कीजिएगा, अगर आपको मिल जाता अच्छी बात है। मैंने सुना 5 रुपीज़ का कॉइन भी चलता है, बट आई एम रियली नॉट श्योर, मैंने खुद ट्राई नहीं किया है, तो ट्राई कीजिएगा इसको। बाकी की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट 2 वीडियो में आप देखिए, जिसके अंदर लगेज के बारे में भी बताऊंगा, कोविड टेस्टिंग के बारे में भी बताऊंगा, और एयरलाइन का एक्सपीरियंस तो है वो तो आप देख ही लेंगे। तो
तो मैं था आपका दोस्त कपिल। हमेशा प्यार बांटिए और देखते रहिए कपिल वाले लेट्स ट्रैवल। बाय बाय।